भारत के मून मिशन ने एक और कामयाबी हासिल कर ली है। चंद्रयान 3 से विक्रम लैंडर बृहस्पतिवार दोपहर अलग हो गया। इसके साथ ही लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब आगे का सफर इस लैंडर को ही तय करना है। बता दें कि 23 अगस्त को चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 धीमे धीमे अपनी स्पीड कम करेगा। इसके लिए चंद्रयान अपने इंजनों यानी कि थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी गति धीमी करनी है। इसरो ने बताया कि 18 अगस्त शाम करीब 4 बजे डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिल्यून और 100 किलोमीटर वाले एप्लोल्यून ऑर्बिट में डाला जाएगा। पेरिल्यून यानी कि चांद की सतह से कम दूरी, एप्लोल्यून यानी चांद की सतह से ज्यादा दूरी। अब तक की यात्रा प्रोपल्शन मॉड्यूल ने पूरी कराई है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन की यह कारनामा करने में सफल हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी अन्य देश ने कभी भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को नहीं छुआ है।